हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। आज मैं बनाने वाला हूं तिल और गुड़ के लड्डू। इन्हें बनाना सच में बहुत ही आसान है। अब ठंड तो अभी भी बची है और ठंड में तिल और गुड़ के लड्डू खाना सच में बहुत ही बढ़िया है, सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है। अच्छा, इस रेसिपी में आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे जब आप लड्डू बनाओगे, ये मैं आपको पक्का बोलता हूँ कि कुछ टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बहुत मदद मिलेगी लड्डू बनाने में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, थोड़ा सा पानी, देसी घी, गुड़ और तिल यानी कि सेसमी। मैंने यहाँ पर सेसमी और गुड़ की क्वांटिटी लगभग इक्वली रखी है। 200 ग्राम अगर सेसमी है तो 200 ग्राम गुड़ लें, इक्वली रखें तभी ये सही बनते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने तिल को पकाना है। तो आप अपने पैन को रखें मीडियम फ्लेम पे और इसको धीरे धीरे करके थोड़ी देर के लिए पकाएं। आपको इनको ज़्यादा नहीं पकाना, तिल के अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना ताकि आराम से पके। तो आप तिल को साथ साथ हिलाते रहना क्योंकि तिल बहुत ही जल्दी पक जाता है। आपको ये दिखने लग जाएगा तिल के ऊपर एक शाइनी सी कवरिंग सी होने लग जाएगी। और दूसरा ये है कि ये तिल के बीज जो है थोड़े से फूलने लग जाएं। तब इनको बहुत ब्राउन मत करना, बस इनको 3-4 मिनट तक थोड़ा भुनना और उतना काफ़ी है। ये देखो आपके तिल हो गए हैं तैयार, मैक्सिमम 5 मिनट में ही। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं है। अब जैसे ही आपके तिल भून जाए वैसे ही आप इसको एक जल्दी से जल्दी बाउल में ट्रांसफर कर दें, अब क्योंकि ये पैन तो गर्म है और अगर तिल उसमें ही रह जाएगा तो ये जल जाएंगे। तब इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर देना। और अब बनाते हैं इसकी चाशनी। अब चाशनी बनाना भी इसकी बहुत ही आसान है। तो चाशनी को आप लो फ्लेम पे ही पकाना, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पकाना। तो आप अपने पैन में लें थोड़ा सा देसी घी, उसमें डालें अपना गुड़। ये मैंने गुड़ अच्छे से तोड़ के डाला हुआ है। और गुड़ के साथ साथ आप यहाँ पर डालें थोड़ा सा पानी। ध्यान रहे कि आप यहाँ पर गुड़ को लो फ्लेम पे पिघलाना, हाई फ्लेम पे आप मत करना क्योंकि वो फिर इवनली पिघलती नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ गुड़ के पीसेस बहुत बड़े हैं, कुछ कुछ बहुत छोटे हैं, इसलिए आप इसको लो फ्लेम पे आराम से पकाना। ये देखो आप, ये गुड़ अच्छे से पकनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी कि आपको एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी, बस आपको गुड़ को थोड़ा सा पिघलाना है क्योंकि लड्डू थोड़े से सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं, अंदर का टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड होंगे तो आपके दांतों को ही मजा आने वाला है, आपको नहीं आने वाला। आपका गुड़ बहुत ही जल्दी पक जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से पिघलना चाहिए, अच्छे से गर्म होना चाहिए। जी देखो, जैसे ही चाशनी में थोड़ा सा उबाला आना शुरू हो जाए आप पानी में डाल के चेक कर लो कि चाशनी सॉफ्ट है, चाशनी पानी में डालकर भी सॉफ्ट रहती है या नहीं। ये देखो आप ऐसे, अब इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके लड्डू के अंदर का टेक्सचर कैसा होगा। तो आप देख सकते हो कि ये सॉफ्ट बॉल है, एक थोड़ी सी स्ट्रेची भी है, सही है एकदम, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप एकदम गैस को बंद मत कर देना। अब आप डालो अपनी चाशनी में अपने सेसमी सीड, इलायची का पाउडर और उसको बहुत ही अच्छे से मिला लो। अगर आप गैस बंद कर दोगे तो ये गुड़ बहुत ही जल्दी ठंडा भी होने लग जाता है और इसको मिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना और इसको अच्छे से मिला देना। अब इन लड्डुओं को शेप देने के लिए एक्चुअल में हमें इस मिक्सचर को गर्म गर्म में ही लड्डू की शेप देनी होगी। अब मुझे पता है कि बहुत लोगों के लिए करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ को थोड़ा गीला करके थोड़ा सा मिक्सचर में ऐसे छोटा सा लड्डू बना के देखें। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितनी हीट को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी आप हीट बर्दाश्त कर सकते हो। जब आपको ये समझ में आ जाए तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ कि आप पैन में ही, जब पैन को उतार दोगे तो पैन में ही लड्डुओं को शेप देने की कोशिश करो अपने स्पैचुला से। अगर आप नॉनस्टिक यूज़ करोगे तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप पैन में ही लड्डुओं को थोड़ी शेप देने की कोशिश करो ताकि आपको बाद में पकड़ने में आसानी। आप हाथ को करें अच्छे से गीला ताकि ये मिक्सचर आपके हाथ में चिपके ना और आप लड्डू आराम से बना पाएं। अपने हाथ को गीला करके आप ऐसे शेप दे दो और ये देखो आप, आपका लड्डू पूरा तैयार है। ये जो लास्ट स्टेप है, ये जो आपने हलवाइयों को करते हुए बहुत देखा होगा, वो अपने हाथों से ऐसे ही लड्डुओं को शेप दे देते हैं बहुत ही जल्दी कि ऐसे घुमाते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसे करने से आप बेसिकली हवा से लड्डू को ठंडा कर रहे हो और इसको शेप भी दे रहे हो साथ साथ। अगर आप इसको गरम गरम में ही बिठा दोगे तो ये देखो लड्डू धीरे धीरे करके अपने आप ही थोड़ा फ्लैट होना शुरू हो जाता है और आपका लड्डू फिर आपको ऐसे मिल जाएगा ठंडा होने के बाद, ये अजीब सा फ्लैट सा, और बाद में आप इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। तब ऐसे करो, अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करो ताकि इसमें हवा आए। अपने हाथ को आपको हिलाना भी है और अपनी उंगलियों को भी हिलाना है, हवा से वो लड्डू थोड़ा ठंडा होगा और उसकी शेप एकदम सही रहेगी। ये देखो आप, आपका लड्डू अंदर से भी कितना बढ़िया बना है, ठंडे होने के बाद भी ये थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे से लगते हैं।
तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान तिल के लड्डू बनाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। आप मुझे बताना कि तिल के लड्डू आसान थे या नहीं थे। आसान थे ना, और अगर आसान थे तो फिर नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, एक और कड़ी मिलूंगा। चलो ओके बाय।